आप लोग कैसे हैं? और इंशाल्लाह आप लोग सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी माशाल्लाह से खैरियत से हैं। और आप बताइए, और मैं आज क्या बनाने जा रही हूँ? मैं एक डिफरेंट सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ जिसका मटेरियल ये है। बाकी मटेरियल मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अमरूद है और मैं इसकी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। देखिए मैं क्या बनाती हूँ और इसको मैं दो हिस्से में कर लेती हूँ। उसके बाद अब ये देखिए मैंने दो हिस्से इसके कर लिए हैं और अब इसको हम छीलेंगे। छीलने के बाद में इसको हम कद्दूकस करेंगे। तो देखिए मैं इसको इस तरीके से छील रही हूँ, इसका छिलका सारा उतार लूँगी। मेरा ये अमरूद बड़ा सा था, ये तकरीबन आधा किलो का था। मैंने इसको छील लिया, छील करके इसके बीज निकाल लिए और आधे अमरूद की ये मैंने टुकड़े टुकड़े से कर लिए हैं। और इसमें थोड़ा सा हम दूध डालेंगे, करीब आधा कप दूध डालेंगे। और ये आधा कप दूध डालने के बाद में इसको हम रखेंगे बॉयल होने के लिए। इसको हम बॉयल होने के लिए रखा, जब ये मेरा बॉयल हो जाएगा तो इसके बाद हम जो करेंगे वो हम आपको बताएंगे। और जो ये मेरा आधा अमरूद है इसके हम कद्दूकस करेंगे। तो देखिए ये जो मैंने दूध डाल करके इनको बॉयल किया था अमरूद के पीसों को, तो ये देखिए मेरे पीस हो गए हैं। और ये मैंने आधे अमरूद को इस तरीके से ग्रेट कर लिया था। तो ये देखिए मेरे मैंने कद्दूकस करके रख लिया है इसको हम अभी। अब ये मेरा हो गया है, तैयार हो गया है, इसको हम इसमें ग्राइंडर में डाल करके इसकी प्यूरी बनाएंगे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरी पूरी तैयार हो गई है। और अब हम कढ़ाई में घी डालेंगे और उसमें ये हम ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट गोस्ट हो रहे हैं तो हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं सर्दियों में, बड़े बड़े से आजकल अमरूद चल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े से आ रहे हैं अमरूद। तो आप बनाइए और बच्चों को भी खिलाइए, बहुत अच्छी टेस्टी होती है। आप इसको बना करके देखिए और बच्चे भी शौक से खाएंगे तो बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मेरे ड्राई फ्रूट खुशबू देखिए कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, काजू भी हो गए, बादाम भी हो गए। अब चलिए हम इनको निकालते हैं। थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसी में डाल देंगे। अब हम डालेंगे ये कद्दू कट किया हुआ अमरूद। इसी में डाल के रोस्ट कर लेंगे। ये मेरा आधा किलो अमरूद थे और जिसमें से मैंने थोड़ी से पूरी बनाई, थोड़ी दिया है थोड़ा सा। अब ये देखिए इसी को हम एक कप दूध डाल रहे हैं। ये देखिए मैंने एक कप दूध डाल दिए। देखिए ये मेरा अमरूद जो है ना गल गया है, दाना दाना इसका गल गया है। और अब हम इसमें जो ये मैंने पूरी बनाई थी इसमें मेरा थोड़ा सा फूड कलर डाला है ताकि हल्की गुलाबी गुलाबी सी होगी ना तो देखने में खूबसूरत लगेगी। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से ये फूड कलर पिंक कलर का डाल दिया और इसके देखिए कितनी अच्छी खूबसूरत लग रही है देखने में। तो अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। मैं आधा कप चीनी डालूँगी, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। ये देखिए मेरी अमरूद की खीर तैयार हो रही है। इसको आप भी बनाइएगा, बच्चों को भी खिलाइएगा, बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे होगी, बहुत से बच्चे नहीं खाते हैं अमरूद,
तो आप इस तरीके से बना करके आप बच्चों को खिला सकती हैं। और आजकल ठंडी हो रही है, ठंडियों में उनको अच्छा आ रहा है, देखने में अच्छा लगता है। इस तरीके से आप अपने बच्चों को रेसिपी बना करके खिलाइए, बच्चे भी खुश होंगे और आपको बना करके बच्चों को देने की खुशी होगी कि मैंने अपने बच्चों को बना करके खिलाया। जब बच्चे खाते हैं तो माँ कितनी खुश होती हैं। इसी तरीके से आप इसको बनाइए और आप मेरी रेसिपी को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा किस तरीके से बनी, कैसी बनी है, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। ये देखिए मेरी, अब थोड़ा सा चीनी डालने के बाद में थोड़ा सा इसको पका लूँगी ताकि बराबर से ये पक जाए और ठंडी होने के बाद में थोड़ा सा ये और लिक्विड फॉर्म में ये आएगी। तो थोड़े इसको ऐसे ही उतारना है हमको। देखिए बराबर से ये आ रही है। तो देखिए ये मेरी चीनी के साथ में पक गई है और अब ये मेरी बिल्कुल खीर तैयार हो गई है। मेरी अब ये पक गई है, अब हम चूल्हा बंद करते हैं और इसको हम डिश आउट करते हैं। चलिए तो देखिए ये मेरी खीर तैयार हो गई है और आप इसको नोट फरमाइए, खा करके बताइए कि कैसी बनी हुई है। चलिए देखिए मेरी अमरूद की खीर तैयार हो गई और आप लोग इंजॉय करिए, बताइएगा कैसी बनी है, कमेंट करिएगा।